वैष्णो डिपॉइंट में आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेट थ्री, यानी कि जो अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था क्वेश्चन पेपर, इसमें से हम सेट थ्री देखने वाले हैं। सेट वन और सेट टू अपने हो चुके हैं, सेट थ्री पे हम आ गए थे और वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा पेपर हमारा ब्लर है, आगे के क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आप एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 22 से है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने पहले हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 22 से ही शुरू कर देते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन से। सेट ई क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कोई 6 कारण बताइए। ऑप्शन में है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक नेता और उन देशों के नाम बताओ। बेलग्रेड में 1961 में हुआ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किन 3 कारणों का परिणाम था, आपको ये भी बताना है। तो मैं आपको पहले 6 कारण बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ। तो 6 कारण में आपको पता है कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे जो 6 कारण थे उनमें से सबसे मेन कारण ये था कि जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सही नहीं थी, यानी कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। फिर क्या था, वहां पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला जा रहा था, यानी कि जो वहां पे नौकर साहब थे, जो अधिकारी या कर्मचारी लोग होते हैं उनका शिकंजा था, पूरा पूरी तरीके से सब कुछ उनके अंडर में आ चुका था। तो ये एक गलत, आप कह सकते हो गलत बात थी। फिर वहां पे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, एक पॉइंट आप ये बता सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि सोवियत संघ के पास संसाधन थे लेकिन उसने अपने संसाधनों का दुरुपयोग करा, यानी अपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया, आप एक पॉइंट ये बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर वहां पे आप बता सकते हो कि मिखाइल गोरबाचेव के सुधारों की नीति के कारण भी ऐसा हो गया था, और भी पॉइंट बनेंगे, आप इनमें से कोई भी बता सकते थे। जो गुटनिरपेक्ष के 5 संस्थापक नेता थे उनके नाम सुन लो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो भारत से थे वो नेहरू जी थे, युगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो थे, ठीक है, मिस्र से गमाल अब्दुल नाशिल थे, और घाना के वामे नक्रुमा, और इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये 5 नेता जो थे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कहलाए थे। बेलग्रेड में 1961 में सम्मेलन हुआ था, इसका पहला सम्मेलन, और इसमें 3 तरह की बातें सामने आई थी। वो 3 तरह की बातें जो थी उसमें ये था कि भाई सभी देश आपस में मिलजुल करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और विभिन्न देशों के बीच आपसी समझौता होगा, इस तरीके से ये पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर कोई विवाद वगैरह होता है तो उसको सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे, और जो नए देश जो आजाद हो रहे हैं उन देशों को भी क्या करेंगे, उन देशों को भी महाशक्तियों में शामिल होने से बचाएंगे, गुटनिरपेक्ष में शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार, कह रहे हैं कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र आने की यात्रा के बारे में बताना है, कि नेपाल में पहले राजतंत्र था फिर लोकतंत्र कैसे आया, पूरी कहानी आपको बतानी है। आपको पता है नेपाल अतीत से ही एक हिंदू राज्य था, जहाँ पे किसका शासन होता था, यहाँ पे राजा का शासन होता था। तो राजा का जो शासन था उसकी वजह से यहाँ पे एक समस्या आ रही थी कि राजा ने क्या कर रखा था, सब कुछ अपने हाथ में अपने अंडर ले रखा था। इसमें दिक्कत ये आ जाती थी कि वहां की जनता जो थी वो चाहती थी लोकतंत्र, पर राजा ने सब कुछ अपने हाथ में कर रखा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने उसका विरोध कर दिया, विरोध चलता रहा चलता रहा। 1990 के दशक से ही विरोध शुरू हो गया था, 2002, 2006 एक बार ऐसी भी हालत हो गई थी कि संसद को भी गिरा दिया था राजा ने, ठीक है। फिर बाद में 2006 में वहां पे सर्वव्यापक, यानी कि नेपाल में जो सारी पार्टियां थी, 7 पार्टियां मिली थी, 7 पार्टी अलायंस कहा जाता है जिसको, वो सारी पार्टियां एकजुट हो गई, और एकजुट होने के बाद उन पार्टियों ने क्या किया, विरोध करा राजतंत्र का, राजा के शासन का। तो ये जो राजा के शासन का विरोध था उसके बाद वहां पे लोकतंत्र आया, संविधान बना, और संवैधानिक वहां पे लोकतंत्र है तब से। तो ये 23वें का आंसर बता सकते थे। ऑप्शन में है कि एक लंबे समय के बाद जो यूरोपीय संघ है वो बना था, तो ये किस प्रकार से आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या मतलब है इसका। यूरोपीय संघ कब बना था, 1992 में बना था, सभी जानते हैं। लेकिन यूरोपीय संघ जो था वो शुरू में एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था था, यानी कि आर्थिक मदद करता था यूरोपीय देशों की, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक होता गया। कैसे होता गया, आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूँ। इसने क्या हुआ कि यूरोपीय संघ ने अपनी विदेश नीति वगैरह बनानी शुरू कर दी, अपनी मुद्रा यूरो लागू कर दी, अपना स्थापना दिवस, अपना झंडा, ठीक है, यहां तक किसने अपना संविधान भी बनाने का प्रयास किया, पर संविधान तो इसका असफल रहा। लेकिन इतनी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी खुद की स्थापना दिवस है, खुद की मुद्रा है, ठीक है, और ये जो व्यवस्था है, खुद की विदेश नीति बनाने की कोशिश की, सब कुछ किया, तो ये बता सकता है कि यूरोपीय समझौता एक आर्थिक सहयोग संगठन की तरफ से एक राजनीतिक संगठन बनता गया था। तो ये इसके पॉइंट बनेंगे, इन्हीं पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करना था पेपर में।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहे हैं कि 1947 में हुए भारत विभाजन के 6 परिणाम, ये तीनों ही सेटों में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस कर चुका हूं पहले से, तो इसको स्किप करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस है। फिर ये तीन चुनाव में जो कांग्रेस को बहुमत मिला था, ये भी स्किप वाला क्वेश्चन है क्योंकि दो सेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, मैप आपको बताया जा चुका है कि ये मैप वही वाला है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सेट 1 देखना है बस। सेट 1 देखने के बाद आपके ये सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। देखिए एक बार आप ध्यान से, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, कह रहे हैं कि सोवियत संघ ने 1991 में हुआ जो तख्ता पलट था उसमें बोरिस येल्तिनिस इस घटना का विरोध जो था वो बोरिस येल्तिनिस ने क्यों किया। देखो बोरिस येल्तिनिस जो थे ये मिखाइल गोरबाचेव के भी विरोधी रहे हैं, और ये मिखाइल गोरबाचेव क्या, ये कम्युनिस्ट पार्टी के भी विरोधी रहे हैं, यानी कि कम्युनिस्ट के होकर ही कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया था इन्होंने, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सोवियत संघ के विघटन में, ठीक है, तो ये आप यहाँ बता सकते थे। अगला कह रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों ने शीतयुद्ध संघर्ष को कम करने में कैसे भूमिका निभाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे भूमिका निभाई आपको पता है कि इन देशों ने विभिन्न देशों के बीच में आपसी समझौते करवाए। विभिन्न देशों को छोड़ो, सबसे पहले तो आप महाशक्ति देखो, इन्होंने महाशक्तियों के बीच में भी आपसी समझौते करवाए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दो नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के किसी एक लाभ को बताओ, ये बता चुके हैं, आर्थिक विकास में सहयोग है बस, सहयोगी है ये, सुरक्षा के उपाय आपको बता चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, स्किप करते हैं, जो जो ये भी रिपीटेड है इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो हम नहीं बता चुके तो वही आपको बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मंडल आयोग क्वेश्चन ये आपको बता देते हैं, मंडल आयोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। मंडल आयोग जो था ये किस लिए बनाया गया था, आपको पता है ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो इसकी एक सिफारिश आपको बतानी है, तो आप बता दो कि इसने कहा था कि 27% ओबीसी को आरक्षण दे देना चाहिए। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था और कितने समय के लिए, ठीक है, ये आपको सोचना है, कौन था सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, और इसके ऑप्शन में है नेहरू जी ने क्यों कहा कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो कोई पलायन की नीति नहीं है। दोनों ही एक नंबर के क्वेश्चन है, इसे सोचिए समझिए थोड़ा सा। तो दोनों के ऑप्शन बता देते हैं, देखो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोरबाचेव ही थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है पलायन की नीति, अब आपको एक चीज देखनी है कि ये 2 नंबर में है क्वेश्चन, कितने नंबर में, 2 नंबर में, आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। आपको पलायन की नीति का मतलब होता है कि भागने की नीति, यानी कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो भागने की नीति नहीं थी, क्योंकि भाई बहुत सारे देशों ने विरोध किया था, वो ये कहते थे कि भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर अंतरराष्ट्रीय मामलों से बचने की कोशिश करता है, यानी पलायन करता है, तो आपको ये बताना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई पलायन की नीति थी नहीं थी, बल्कि इस नीति के तहत हमने क्या करा, विभिन्न देशों से, दोनों महाशक्तियों से केवल दूरी बनाई, यानी कि उसके सैन्य संगठनों से दूरी बनाई, उनकी मदद करने में या मदद लेने में हम हमेशा साथ आ जाते थे। 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का मूल्यांकन करो, जो 1975 में जो आपातकाल था उसका मूल्यांकन करना है, ये भी आपको बताया हुआ है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा के टाइम पे, ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उस टाइम पे डेली जो बंद हड़ताल वगैरह चलती थी जिससे कि कांग्रेस को दिक्कत हो रही थी, और कांग्रेस में जबरन इंदिरा गांधी से वो क्या कर रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इसलिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। उसका प्रभाव क्या हुआ कि ये जो विरोध था अचानक से रुक गया। दल बदल की भूमिका भी स्किप करना है, ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, ये भी हमें स्किप करना है, ये भी करा चुके हम, ये भी हो चुका है अपना। संघर्ष के दो कारण जो थे चीन के, भारत और चीन के बीच में आप बता सकते हो, अक्साई चीन वाला मुद्दा और अरुणाचल प्रदेश वाला मुद्दा, एक आप दलाई लामा का मुद्दा भी बता सकते हो तिब्बत वाला, ठीक है। राजनीतिक वैश्वीकरण के समर्थकों द्वारा दिए गए कोई दो तर्क बताओ, ये क्वेश्चन अलग है इसे बता देते हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण के समर्थक की बात कर रहे हैं, तो ये जो समर्थक थे ये वैश्वीकरण को बेहतर बताते थे, कहते थे कि वैश्वीकरण के तहत विभिन्न देशों की राजनीति मजबूत हुई है और राजनेताओं को लाभ हो रहा है, देश की शासन व्यवस्था में लाभ हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने उसके मतलब उसके पक्ष में तर्क दिए, पॉजिटिव तर्क दिए, ठीक है। समर्थक जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही बताएंगे, कभी भी उसके बारे में गलत नहीं बताएंगे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी भी आपको बताया जा चुका है, स्किप करना है हमें। अवरोध भी बताए जा चुके हैं, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र नहीं बन पा रहा है,
उसके कारण भी बताए जा चुके हैं। और 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के अत्यधिक उम्मीदवार के हारने का परिणाम बताना है। 1969 के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार था वो हार गया था। उसके पीछे उसके परिणामों का विश्लेषण करना है। देखो, हारा क्यों था? क्योंकि सिंडिकेट जो थी कमजोर पड़ गई थी। इंदिरा गांधी जो थी उसने अपनी छवि सुधार ली थी, और वो हालांकि अनुभवी नहीं थी पर उन्होंने क्या किया था, अपनी छवि को काफी ज्यादा सुधार लिया था और दिखा दिया था कि भाई वो एक अच्छी पीएम बन सकती है। तो ये एक कारण बना। फिर क्या था कि भाई सिंडिकेट में, जो आपको पता है 1967 में क्या हुआ था चुनाव में, आपको सारी कहानी पता है कि 7+2 राज्यों वाला जो सीन था, इसके कारण भी क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं खटपट बनी चुकी थी कांग्रेस के अंदर, इस कारण से भी वो हार गए थे। फिर इंदिरा गांधी ने जो एक लाइन कही थी, वो लाइन आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि मैं, आप चाहे किसी को भी वोट दो पर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। यानी कि उसने घुमाकर ही, डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली उसने अपने पक्ष में वोट मांग लिए थे। इसका भी कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ गया था, तो ये भी पॉइंट बन जाएंगे। बाकी ये कार्टून हो चुका है, और आगे फिर जो भी हमारे सारे ये पैसेज हैं, ठीक है, बाकी ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, सारे हमने करवा दिए हैं। तो ये हो जाएगा आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और तीनों सेट करा दिए हैं मैंने, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। सारे क्वेश्चन जो थे मेनली वो कौन से थे, कॉमन क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो अलग थे वो आपको बताए हैं। आपको SET-1 जरूर देखना है, क्योंकि जो ज्यादातर आंसर बताए हैं वो SET-1 में बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।